नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की क्लास 9th जो कि स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से जो सीरीज चली हुई है उसमें आज ये पाठ है हरवंश राय बच्चन जी का अग्निपथ। हरवंश राय जी का बच्चन जी का अग्निपथ नामक पाठ है। और सबसे पहले जानते हैं, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप अपनी कोई सी भी हिंदी या एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले शब्दार्थ, जो कि पाठ के लिए इम्पोर्टेंट शब्दार्थ ही होते हैं, जो कि कठिन होते हैं कुछ। तो अग्निपथ, अग्निपथ मीन्स होता है कि कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, या जिसे कहते हैं आग युक्त मार्ग। अग्निपथ आग का रास्ता कह सकते हैं, मतलब उसका होता है कठिनाई जिस रास्ते में आए। वहीं पत्र, पत्र मीन्स होता है पत्ता। शपथ, शपथ मीन्स होता है कसम या सौगंध। वहीं अश्रु, अश्रु मीन्स होता है आंसू। स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना, पसीना आना। रक्त, रक्त मीन्स होता है खून या सोनित। वहीं लथपथ मीन्स होता है सना हुआ, किसी से सना हुआ। और सबसे पहले पाठ को समझने के लिए जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों को। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आप आसानी से इनके उत्तर ऑटोमेटिक अपने आप ही दे पाओगे। तो चलते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मांग मत, कर शपथ, लत पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है एक पत्र छा भी मांग मत, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है भाव स्पष्ट कीजिए कि तू न मुड़ेगा कभी। नेक्स्ट है चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। इस कविता का मूल भाव क्या है वह भी बताना है। नेक्स्ट है योग्यता का विस्तार, अर्थात जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस विषय पर चर्चा आयोजन कर सकते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट है परियोजना कार्य जीवन संघर्ष में है, इसे घबरा कर थमना नहीं चाहिए, इससे जो घबराना नहीं चाहिए। इससे संबंधित अन्य कवियों की कविताओं को एकत्रित कर एक एल्बम बनाना था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे हरवंश राय बच्चन जी के बारे में जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो हरवंश राय बच्चन जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो जिनका जन्म 1907 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में। हरवंश राय बच्चन जी का जो जन्म था वह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। बच्चन, इनका माता पिता, अर्थात इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, क्या कहते थे उन्हें प्यार से, बच्चन कहा करते थे, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवाओं में चले गए थे और इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ लिए विख्यात हुए। अर्थात एक ओजस्वी भाव काव्य के रूप में उनके अंदर से उभर करके आए। वहीं बच्चन की जो कविताएं हैं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर उन्होंने व्यंग किया, कह सकते हैं करारी चोट की। और कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, अर्थात आत्मकथा में स्वयं की कथा, स्वयं की आत्मकथा अपनी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति अर्थात एक अच्छी कृति जिसे कहते हैं, वह क्या होती है, आत्मकथा। नेक्स्ट है बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण,
जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस कविता हैं, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती अरंगारे, टूटी चट्टाने, रूप तरंगनी, सभी कविताएं, सभी कविता संग्रह हैं ये। और वहीं आत्मकथा के चार खंड हैं, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से और सोपान तक। इनमें कि मधुशाला जो इनकी जो रचना है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहीं बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया इन्हें। वहीं सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सरस्वती सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत जो कविता है इसमें क्या है कि इसमें कवि ने संघर्षमय जीवन, अर्थात एक संघर्ष जो जीवन होता है, संघर्ष रूपी जो जीवन होता है, उसको अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया, यह मैसेज दिया, क्या कि राह में इस रास्ते में सुख रूपी छांह की चाह मिस इच्छा न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक कार्य करते हुए बिना थकान महसूस किए हुए, अर्थात बिना थके हुए बढ़ते ही जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो संघर्ष में जीवन है इसमें मनुष्य को एक राह में, अर्थात चलते हुए रास्ते में एक छाया की भी चाह नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और अपनी मंजिल की ओर कर्म करते हुए बिना थके हुए आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, अर्थात जहाँ भी शब्दों की जो दोबारा आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति में दोबारा आए हुए शब्दों को क्या कहा है उन्होंने कि मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ये देखने योग्य हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं उन शब्दों को। तो अग्निपथ कवि हरबंस राय बच्चन जी वर्णन करते हुए अपनी कविता जो कि स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से है और जिसका कि पाठ है अग्निपथ, इसमें मनुष्य को लगातार बिना थके हुए कर्मशील बनाते हुए या कर्मशील रहते हुए अपने जीवन पथ पर लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि अग्निपथ के अग्नि का रास्ता है, यह अग्नि का रास्ता है, अर्थात यह रास्ता जो है जीवन का यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, अर्थात चाहे वृक्ष रास्ते में क्यों ना पड़े, अर्थात आपको छाया की आवश्यकता रास्ते में क्यों ना पड़े, बट हों घने हों बड़े, चाहे वो कैसे भी घने हों, चाहे उनकी छाया कैसे भी आरामदायक हो, चाहे वो कितने भी बड़े हों, चाहे जीवन जो रूपी संसार में, तो हमें क्या है कि एक पत्र छाया भी मांग मत, अर्थात एक पत्ते की भी, पत्र में सोता पत्ता, छाया में सोता छाया, एक पत्ते की भी छाया हमें नहीं मांगनी चाहिए। हमें इस जीवन रूपी संसार में अर्थात छाया में नहीं रुकना है, कि मांग मत मीन्स निरंतर अपने जीवन में बिना छाया के बढ़ते रहना है, अर्थात बिना थके बढ़ते रहना है। उसी का नाम है अग्निपथ, अर्थात निरंतर है मनुष्य के निरंतर संघर्षों से जूझता हुआ और कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चल। नेक्स्ट कवि कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। वे कहते हैं कि ना तो तू थकेगा कभी और ना ही तू थमेगा मीन्स रुकेगा कहीं। तू ना मरेगा कभी, और जब वे कहते हैं कि जब जीवन के इस संघर्ष में जीवन में जब कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ता जब वह मनुष्य चला जाएगा, तू शब्द किसके लिए, मनुष्य के लिए, तो तब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ना तो थकेगा, ना कभी मुड़ेगा और ना ही कभी थमेगा, अर्थात रुकेगा मनुष्य। और कर शपथ वे शपथ दिलवाते हैं, वे मनुष्य को शपथ दिलवाते हैं कि कर शपथ के तो हे मनुष्य कभी भी ना तो थकेगा ना मुड़ेगा
न पीछे हटेगा, अर्थात अपने जो अग्नि का अग्नि रूपी पथ है, जो जीवन रूपी संघर्षमय रूपी जीवन है, इसमें आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, अर्थात न तो कभी थकेगा न ही कभी निराश होगा। नेक्स्ट कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह महान दृश्य है। ये कहते हैं कि यह महान दृश्य है। कैसा दृश्य? कि चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये जो बार बार शब्द आए लथपथ लथपथ लथपथ, ये क्या है? मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो वे कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि यह महान दृश्य है। महान मीन्स बहुत ही ज़्यादा महान या बड़ा, दृश्य मीन्स सीन, सीन सीन मीन्स दृश्य, या कह सकते हैं देखने लायक है कि चल रहा मनुष्य है। किस प्रकार से मनुष्य चल रहा है इस संसार रूपी संघर्ष में रूपी जीवन में, कि किस प्रकार से, कि अश्रु स्वेद जो उसके आंसू हैं, स्वेद मीन्स जो पसीना है, रक्त मीन्स जो उसका खून है, उससे लथपथ लथपथ लथपथ, अर्थात मनुष्य जो जीवन संघर्ष में रूपी जो जीवन है उसमें उसके जो आंसू हैं, उसका जो पसीना है और उसका जो खून है, उससे लथपथ लथपथ होता हुआ निरंतर जीवन में, अपने संघर्षमय रूपी जीवन में, कठिनाइयों से भरे जीवन में निरंतर आगे बढ़ता हुआ चल रहा है कौन? मनुष्य। और कब? तब कहते हैं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अर्थात यह जीवन जो है मनुष्य का, यह बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए वे मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार के जीवन से मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि जो विभिन्न पाठों की जो श्रृंखला है और नेक्स्ट जो बुक होगी आपकी, जो कि संचयन होगी, जिसमें कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप पाठों की जो सीरीज है उसको चलाएंगे और डिटेल से उसका वर्णन करेंगे, जानेंगे समझेंगे, और जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको उनमें जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।